हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मेगाबाइट। आज आपको फ्रेम रेट से रिलेटेड तीन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें, टाइम लैप्स, स्लो मोशन और स्टॉप मोशन कैसे काम करता है वो बताने वाला हूँ। अगर आपको फ्रेम रेट के बारे में जानना है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। अब हमें ये पता है कि किसी भी वीडियो को नॉर्मली देखने के लिए हमें उसमें 30 फ्रेम्स चाहिए होते हैं, तो इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा हम क्रिएटिव वीडियोग्राफी में ले सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला टाइप है टाइम लैप्स। एग्जाम्पल के लिए एक सनसेट की वीडियोग्राफी, मान लो किसी सनसेट को कंप्लीट होने में 30 मिनट लगते हैं तो आपके पास 30 मिनट का वीडियो होगा। अब आप 30 मिनट तक किसी सनसेट का वीडियो नहीं देख सकते, तो अगर हमें 30 मिनट का वीडियो 5 सेकंड में बनाना हो तो कैसे करेंगे? तो यहाँ अच्छी बात यह है कि एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है, मूवमेंट इतनी ज़्यादा स्लो है कि अगर हम पहले 500 फ्रेम्स को देखें तो हमें कोई अंतर समझ में ही नहीं आएगा। तो अगर हम ऐसा करें कि बीच के फ्रेम्स को गायब कर दें, जहाँ जहाँ फ़र्क समझ में आता है सिर्फ उन फ्रेम्स को यूज़ करें, तो उन फ्रेम्स को कंबाइन करके टाइम लैप्स रेडी हो जाएगा। मतलब कैमरा को ऐसे सेट करना है कि वो हर 12 सेकंड में एक पिक्चर क्लिक करे और उसको एक पोजीशन में छोड़ दें, तो एक मिनट में होंगे हमारे पास 5 पिक्चर्स, मतलब 5 फ्रेम्स। और अगर 30 मिनट तक हम कैप्चर करते हैं तो हमारे पास होंगे 150 फ्रेम्स। अगर हमें 5 सेकंड की वीडियो बनाना है तो हमें 150 फ्रेम्स ही चाहिए। तो सारे फ्रेम्स को कलेक्ट करके जब हम इसे वीडियो की तरह प्ले करेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना ब्यूटीफुल? ऐसे वीडियो को टाइम लैप्स कहते हैं। बहुत लंबे टाइम में बहुत कम फ्रेम्स कैप्चर करके जब वीडियो बनाया जाए तो उसे टाइम लैप्स बोलते हैं। अब इसी इक्वेशन को उल्टा कर देंगे, अब हमें बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा फ्रेम्स चाहिए, तब बनेगा स्लो मोशन। इस वीडियो के लिए हमें एक ऐसा कैमरा चाहिए होता है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेम्स कैप्चर कर सके। आजकल फोन्स में स्लो मोशन कैमरास आने लग गए हैं, लेकिन उनकी भी एक लिमिट होती है। कुछ कैमरा 60 फ्रेम्स पर सेकंड शूट कर पाते हैं और जो अल्ट्रा स्लो मोशन रिकॉर्ड कर पाते हैं उनमें ड्यूरेशन की लिमिट होती है, क्योंकि हाई फ्रेम रेट्स कैप्चर करना एक बहुत ज़्यादा बड़ी टास्क है। तो यहाँ एग्जाम्पल में एक हैवी कैमरा यूज़ किया गया है। अब यहाँ आएगा आपको मज़ा। इस वीडियो में शूट करते टाइम आप देख सकते हो कि एक फुटबॉल को एक फेस पर मारा जाएगा। फुटबॉल को फेंकने से फेस पर लगने में सिर्फ 1 या 2 सेकंड ही लगते हैं। अब इस 1 सेकंड के वीडियो को अगर हमें 10 गुना ज़्यादा स्लो मोशन करना है, मतलब 10 सेकंड तक अगर देखना है, तो हमें चाहिए होंगे 300 फ्रेम्स। और ये कैमरा स्पेशली 1000 फ्रेम्स पर सेकंड तक कैप्चर कर सकता है 1 सेकंड में। तो इसका मतलब हम इस 1 सेकंड की वीडियो को 30 सेकंड से भी ज़्यादा तक देख सकते हैं। तो चलो प्ले किया जाए। सो दैट वॉज द स्लो मोशन। अब एक अलग तरह का वीडियो जो कि स्लो मोशन और टाइम लैप्स का कॉम्बिनेशन है, मतलब हमें फ्रेम्स कैप्चर करने हैं लेकिन मोशन अपने हिसाब से मूव कराना है, मतलब आप इसका पूरा डायरेक्शन अपने हाथ में ले सकते हो। जैसे कि इस तरह की क्लिप्स आपने देखी होंगी, इसमें बस हमें पिक्चर्स क्लिक करते जाना है और हर फ्रेम में होने वाले मूवमेंट खुद डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ कितना मूव करेगी, और कैप्चर करते करते जब उसे प्ले किया जाता है तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसे आप खुद बना के ट्राई कर सकते हो। कैमरा एप्लीकेशन ओपन करके फ़ोटोज़ लेना है, लेकिन ध्यान बस ये रखना है कि एक फ्रेम से दूसरी फ्रेम में ऑब्जेक्ट का मूवमेंट थोड़ा सा होना चाहिए और बैकग्राउंड का मूवमेंट कम से कम होना चाहिए, काफ़ी स्टेबल, तभी स्टॉप मोशन सही दिखेगा। बस फोटोज़ लेते जाना है। लगभग 60 से 70 फोटोज़ से आप 3 से 4 सेकंड का फुटेज बना सकते हो और ये दिखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। प्ले स्टोर से फोटोज़ टू वीडियो कन्वर्टर डाउनलोड करो, उसमें ये सारे फोटोज़ को ऐड करके प्ले करके देखो, और अगर अच्छा लगे तो फिर आप इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। खैर, ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो की तरह थी, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी बिहाइंड स्लो मोशन एंड टाइम लैप्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। कमेंट में बताइए कोई ऐसा टॉपिक जिस पर आपको वीडियो देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।